हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी सीन अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10, बट टू क्वेश्चन आर लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 8 and 9, एंड आफ्टर दिस आवर एक्सरसाइज आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, तो लुक एट, इन द क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए डोम ऑफ द बिल्डिंग। यस, डोम इज ऑलवेज लाइक ए हेमिस्फीयर, इट इज ए डोम ऑफ द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। यस, इट इज ए डोम, इट इज ए डोम। ओके, लाइक दिस वन, इट इज ए डोम फ्रॉम इनसाइड, इट वॉज वाइस वॉश्ड। यस, वेन यू विल वाइट वॉश इनसाइड, तो इट्स मीन वी आर वाइट वॉश वेयर ऑन इट्स सरफेस, तो इट्स मीन वी आर यूजिंग इट्स कवर्ड सरफेस एरिया। ओके, ऑफ द वाइट वॉश एट द कोस्ट ऑफ, इट वॉज वाइट कोस्ट एट द वाइट वॉश एट द कोस्ट ऑफ 498.96 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज 498.96। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 meter इज इक्वल टू 2 rupees। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया, टेल मी, इट इज ए सपोज इट इज ए स्पेयर, स्पेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर और टोटल सरफेस एरिया 4πr², इफ वी विल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट इट बिकम 4πr² डिवाइड बाई 2, तो 2πr², तो इट इज बिकम, तो यू कैन राइट सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². सी एस ए मीन ओनली दिस मच। ओके, एंड इफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हाउ मच, टोटल इज ऑलवेज लेटरल प्लस बेस, तो बेस इज ऑलरेडी इंक्लूड, नाउ टॉप, टॉप इज ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर, हाउ मच रिमेन, तो इट इज 3πr². अंडरस्टैंड इट, एंड यू नो व्हेन यू विल व्हाइट वॉश, इट इज ए डोम, तो वेयर वी आर यूजिंग कर्व्ड सरफेस एरिया इनर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हाउ मच, 2πr². इट इज वेरी सिंपल थिंग, टेल मी, इफ आई एम सेइंग यू if you want to paint your room, okay, and if I say you cost of white wash is 2 rupees per meter square, okay, 2 rupees is per meter square, and if I say you total spend 10 rupees, total spend 10 rupees to paint your room, so what is the area where we are white washing on the surface area, so it's mean कॉस्ट ऑफ 2 meter, 1 meter कॉस्ट ऑफ 1 meter स्क्वेयर हाउ मच, 2 rupees, एंड कॉस्ट ऑफ, इट इज गिवन द 2 rupees इन फॉर 1 meter स्क्वेयर, तो हाउ मच एरिया, तो एरिया इज 10 divided by 2, इट्स मीन व्हाट इज द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ योर रूम, 5 meter स्क्वेयर, इफ कॉस्ट इज 2 rupees पर मीटर स्क्वेयर, तो एंड एरिया इज 5, तो 5 into 2 10, तो इट्स मीन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 meter स्क्वेयर इज ऑलवेज कम इनर सरफेस एरिया, अंडरस्टैंड, तो यू विल राइट लाइक दिस वन, टू राइट इनर सी एस ए ऑफ हेमी स्क्वेयर इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 meter स्क्वायर। यस, तो 498.96 डिवाइड बाय 2, इट इज कम टू, इट इज 249, ओके, एंड 48 rupees, तो मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द इनर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 249.48 meter square, understand or not, but in second part find the volume of air inside the dome, the volume of air inside, the air we will in this space or not, so it means find the volume, so we will find the volume of this hemisphere, but volume of hemisphere 2/3 πr³, so we need r,
we need R. So first we will find R. And R, how will we find? Yes, we already know it is CSA. So inner CSA of a hemisphere. How much? 249.48. But CSA of hemisphere equal to 2 pi R square. So 2 into pi R square. It is hemisphere equal to 249.48 meter square. So from here we can find radius. Understand or not? So radius you can find. So 2 into 22 by 7 into R square equal to 249.48. And after this one, 7 on the other side. So R square equal to 249.48. 7 is another side. Multiply and 2 into 22. Okay? 22 can be cut. 22 ones are 21, 2, 9. 21, 7, 4. Yes, we can cut. It is, you can cut. 22 ones are 22, 7, 20. Now, decimal. Okay? Now, 22, 3 ja, 66, 8, 24, 4 ja. It is, and now again cut by 2, so it is become 25.17 multiply by 7, okay? And it is come, so R square equal to 7 into 7, 49, 7 into 1, 7 plus 4, 11, 7, 5 ja, so it is become R square equal 36. It is come 36.19. Okay, and we find the value of R. So R will come 6.3. Okay, for taking the square root, we already learned in 8th class. Okay, so we will cut 22 ones are 23. 8 ja, now again cut by 2, it's okay. 2, 5 ja, 10, 1, it is come 6. Understand it? Again we will cut 2, 5 ja, 10, 1, 2, 6 ja, 2, 7. Now multiply it, it is come 7 into 7, 49, 7 into 6, 42, 42. Plus 4, 46, decimal, it is 39.69 and R will come 6.3 and we have to find volume. So volume, how will you find? 2 upon 3 pi R cube. 2 by 3 we know, pi 22 by 7 R, 6.3 into 6.3, 3 times, okay? It is your answer. So solve yourself, find the volume, okay? Next, last question. Next is question number 9. What is given? 27 solid iron sphere. Okay, it is sphere given. How many? 27. 1, 2, 3, 4, 5. Like this one, they are 27. Understand? Now, and it is given. Oh, each of radius is small r. Every radius is, so it means all have same size. Understand or not? And surface area S, and their surface area is S. And r melted to form of a sphere. We melt all these spheres. How many? 27. And we make a sphere. So it means if we make one sphere of using of all these, so we will use a bigger sphere or not? Yes, very good. A bigger sphere are melted from a sphere with surface. And its surface area S dash. S dash means it is S dash. This surface area of each sphere and each radius of each sphere is R.
सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर इज एस. तो वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर. तो इट्स रेडियस आर डैश वी हैव टू फाइंड. तो लुक एट, टेल मी व्हेन यू मेल्टेड ऑल दिस 27 स्फीयर एंड वी विल मेक ए बिग स्फीयर. इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉलर स्फीयर. फर्स्ट वी विल राइट रेडियस ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर हाउ मच इज आर इज गिवन. यस, इन द क्वेश्चन इज गिवन और नॉट. एंड वी नो वी मेल्टेड ऑल ऑफ देम. इट मीन्स एंड वी मेक ए बिग स्फीयर. इट मीन वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस स्फीयर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए बिगर स्फीयर. तो राइट. एंड हाउ मेनी दीज आर 27. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर. तो राइट, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 πr एंड r इज गिवन r क्यूब बट टोटल इज हाउ मच 27. तो राइट, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर हाउ मच 27 मल्टीप्लाई 4/3 πr क्यूब. अंडरस्टैंड, बट वी वॉन्ट टू फाइंड इट्स r डैश एंड वी नो दीज बिग स्फीयर इज मेड बाय द ऑल स्मॉलर. दिस मीन वॉल्यूम ऑफ बिगर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल. नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ बिगर एंड इट इज गिवन रेडियस आर डैश. फाइंड रेडियस. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर, तो फर्स्ट वी विल फाइंड लेट रेडियस ऑफ बिगर. इट इज बिगर स्फीयर हाउ मच इट इज आर डैश. आर डैश. नाउ आई एम रबिंग दिस वन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट इज तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर 4/3 πr³. आर इज आर डैश क्यूब एंड इट तो देयरफॉर यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर. अंडरस्टैंड, तो व्हाट इज बिगर 4/3 πr³. इट इज 27 4/3 πr³. यस, 4 अनदर साइड डिवाइड, 4 कैंसल 4, 3 अनदर साइड मल्टीप्लाई, 3 कट बाई 3, पाई अनदर साइड डिवाइड, तो पाई कैंसल पाई. तो व्हाट इज रिमेन, तो इट इज रिमेन r₁³ इक्वल टू 27 r³. बट वी वॉन्ट टू फाइंड रेडियस आर डैश. तो इट मीन वी हैव टू रिमूव 3 एंड 3 हाउ कैन बी रिमूव बाई टेकिंग क्यूब रूट. तो राइट, क्यूब रूट बोथ साइड. यस, स्क्वेयर रूट मीन पावर 1/2, क्यूब रूट मीन पावर 1/3. 3 हाउ कैन यू रिमूव 3, हाउ कैन यू रिमूव इफ यू राइट 1/3, तो 3 कैंसल 3, देन इट इज रिमूव. तो टेकिंग क्यूब रूट, तो राइट r₁³, तो वी विल राइट पावर इज क्यूब रूट मीन पावर 1/3. तो r₁³ पावर इज 1/3 इक्वल टू 27 r³ पावर ऑफ 1/3. 3 कैंसल टू 3, सेम एज इट इज. स्क्वेयर कैंसल टू स्क्वेयर रूट, सेम एज इट इज. क्यूब कैंसल टू क्यूब रूट. तो r′ इक्वल टू, यस इट इज 27 टू द पावर 1/3 एंड इट इज r³ इंटू 1/3. 3 कैंसल टू 3, तो r′ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27. 27 वी कैन राइट 3³. यस, 27 वी कैन राइट 27 इक्वल टू इट इज गिवन 23 एंड 27 इज 3³
एंड इट्स पावर 1/3, तो 3 कैंसिल 3, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो 3 एंड इनटू आर, तो व्हाट इज आर डैश, आर डैश इज 3 आर, 3 टाइम्स ऑफ आर, हाउ मच 3 टाइम्स ऑफ, वी कैन मैच आवर आंसर आल्सो, इट इज इक्वल टू 3 आर, अंडरस्टैंड और नॉट, नाउ आई एम रबिंग दिस वन, अंडरस्टैंड और नॉट, बिकॉज वी मेल्टेड ऑल स्मॉलर स्फीयर एंड मेक ए बिगर स्फीयर, तो इट मीन वॉल्यूम ऑफ ऑल बिगर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर, तो फ्रॉम हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डैश, वी ऑब्जर्व हेयर आर डैश इज क्यूब, तो वी शुड रिमूव आर क्यूब, एंड क्यूब हाउ कैन यू रिमूव, बाय क्यूब रूट, वी ऑलरेडी लर्न इन फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 11 एंड इन 8th क्लास आल्सो वी ऑलरेडी लर्न, तो आर डैश इक्वल टू 3 आर, ओके नाउ, तो आर डैश, तो दिस वन आई एम राइटिंग नाउ सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट वी नो रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, हाउ मच वी फाइंड 3 आर, इट इज आर, इट इज 3 आर, तो इन सेकेंड पार्ट बी पार्ट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, वट इज एस गिवन, एस इज गिवन सरफेस एरिया, तो राइट सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर, हाउ मच गिवन, इट इज गिवन एस इन द क्वेश्चन, एंड वट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², सेम एज इट इज, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर, हाउ मच बिगर स्फीयर, एस डैश इज गिवन, एस डैश इक्वल टू 4πr आर क्यूब, एंड वी नो एस डैश 4π, इन बिगर स्फीयर रेडियस इज हाउ मच 3r, तो 3 इंटू आर क्यूब, तो व्हाट इज एस डैश इक्वल टू 3 इंटू क्यूब 4π इंटू 3 क्यूब 27 इंटू आर क्यूब, तो व्हाट इज बिकम, इट इज बिकम एस डैश इक्वल टू 27 इंटू 4 108πr³, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू फाइंड रेशियो, तो रेशियो यू कैन फाइंड एस डिवाइड बाय एस डैश, रेशियो सरफेस एरिया हाउ मच 4πr², नाउ इट इज 108πr³, पाई कैंसल पाई, आर स्क्वेयर कैंसल टू आर क्यूब, व्हाट इज रिमेन, ओनली आर एंड 4 to 27, तो व्हाट इज 1/27 आर, तो एस रेशो एस डैश इज 1/27 आर, इट इज योर आंसर एंड आवर चैप्टर इज आल्सो फिनिश्ड, ओके, तो दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, अंडरस्टैंड, तो एवरीवन always remember your formula, and if you have any problem you can ask me anytime, okay, so thank you everyone, have a nice day.